महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 12 नवजात समेत 24 लोगों की मौत के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है, जिस पर प्रियंका गांधी, शरद पवार के बाद अब राहुल गांधी ने भी शिंदे सरकार पर हमला बोला है और एक्स पर सवाल किया कि नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 21 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। बीजेपी की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। वही राहुल गांधी से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने हमला बोलते हुए लिखा था कि नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 12 नवजात शिशुओं की भी जान चली गई, यह चौंकाने वाली घटना है। और एक्स पर सवाल किया कि नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।